Hello students, welcome to Shorab Says classes. Today I am going to discuss about free radical structure stability and reaction. So free radical ka structure stability reaction ke baare mein baat karne ke liye, to free radical ka structure kya hoga? Free radical ka structure ek ho sakta hai planar aur ek ho sakta hai Both type of structure is possible. Planar में क्या है? sp2 hybridize, तीनों bond बनाने के लिए चला गया, एक vacant p orbital, इधर क्या है? इधर एक free radical है, और इधर क्या है? इधर जो इसका sp3 है, एक में free radical है. तो ये हो गया free radical का structure. तो free radical का stability अब कैसा होगा? स्टेबिलिटी तीन चीज के ऊपर डिपेंड करेगा. फर्स्ट इंडक्टिव, सेकेंड हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड थर्ड इज रेजोनेंस. इंडक्टिव मतलब मोर एल्किल ग्रुप मोर विल बी स्टेबिलाइज. इंडक्टिव क्या है? मोर एल्किल ग्रुप. अभी अगर हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बात किया तो क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब और तीनों को हटा दिया तो हाइपर कॉन्जुगेशन नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना ये रेडिकल का स्टेबिलिटी है. रेजोनेंस के वजह से, रेजोनेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर हम लोगों के पास ये टाइप का रेडिकल होगा तो ये रेडिकल ऐसे ऐसे करके पूरा रिंग में ये घूमेगा. ये रेडिकल अगर पूरा रिंग में घूम सकता है तो क्या होगा? है कि नहीं? ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है तो ये वाला स्ट्रक्चर ये स्टेबिलाइज हो जाएगा. और एक टाइप का स्टेबिलिटी होता है जो इस टाइप में क्या होता है कि ये इधर अटैक करता है, ये बॉन्ड पे अटैक करता है ब्रोमीन. तो स्ट्रक्चर जो होगा ये है. तो ये वाला स्ट्रक्चर भी स्टेबिलाइज होता है. ये हो गया इसका स्टेबिलिटी. अभी हम लोग देखते हैं कि ये किस टाइप का रिएक्शन देगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वन इंपॉर्टेंट रिएक्शन देगी, दैट इज नॉडिस टाइप बॉन्ड. व्हाट इट इज? नॉडिस टाइप वन. ये एक नेम रिएक्शन है और इसमें क्या होता है? अल्फा क्यूबल्स. तो अभी देखते हैं ये कैसे होता है. ये अगर ये वाला कंपाउंड ले लिया, ठीक है, तो इसमें एचबीएल डाला तो अभी क्या होगा? ठीक है, ये वाला कार्बन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो अभी क्या हो सकता है? अभी डिकार्बोनाइजेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. ये डिकार्बोनाइजेशन की वजह से क्या होगा?
है कि नहीं, ये क्या करेगा, ये ऐसे बना देगा। और एक है इधर जो मैकेनिज्म है डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन यहां पे क्या होगा, यही वाला स्ट्रक्चर से ये हाइड्रोजन ये ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा तो क्या होगा, इस टाइप का एक ब्रेक हो सकता है और एक ब्रेक हो सकता है ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन ब्रेक करके क्या करेगा, तो दिस टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इधर फॉर्म हो सकता है। सो ये होगा नॉन स्ट्राइपर, और उधर क्या होता है डिकार्बोनाइजेशन, और डिकार्बोनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये डिकार्बोनाइजेशन स्पेसिफिकली और डिफरेंट टाइप का भी प्रोडक्ट देता है कि अगर कोई रेडिकल इस टाइप का आ गया, मतलब RCH2CH2 सभी स्ट्रक्चर तो उस टाइप का नहीं होगा, तो सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे अगर रेडिकल है तो क्या होगा, डिकार्बोनाइजेशन हो जाएगा और ये रेडिकल बनेगा, तो ये रेडिकल तो अनस्टेबलाइज होगा, इसके बाद ये क्या करेगा RCH डबल बॉन्ड CH2 ये वाला एल्केन दे देगा, ये हो जाएगा ये डिकार्बोनाइजेशन का स्ट्रक्चर। अभी क्या है, अभी इसके ऊपर आता है एक नॉरिस टाइप टू करके मैकेनिज्म, पहले था नॉरिस टाइप वन, ये है नॉरिस टाइप टू। सो ये क्या है, ये है नॉरिस टाइप, ये क्या देगा, ये देगा गामा क्लीवेज, तो ये गामा क्लीवेज देगा, तो इसका मतलब कुछ उस टाइप का स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, तो मैंने ये वाला स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर लेने से क्या होगा, पहले जो स्ट्रक्चर लिया वो गामा, गामा क्या है, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, ये अगर अल्फा बीटा गामा तीन दे रहा है तो मतलब अभी इधर क्या होगा, ये गामा में जो हाइड्रोजन है वो पिक्ड अप होगा, और तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये हो गया OH और इधर एक फ्री रेडिकल बनेगा, और इसमें ऊपर में एक फ्री रेडिकल बनेगा और ये वाला बनेगा, तो ये वाला दो फ्री रेडिकल अपने आप में कनेक्ट करके ये वाला दे सकता है OH और इस टाइप का एक स्ट्रक्चर दे सकता है, और इधर क्या हो सकता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक करेगा तो हम लोगों को मिलेगा OH ये, और उसके साथ ये वाला, ये वाला प्रोटोमेटाइज करके साइक्लोहेक्सेन दे देगा, ये हो गया नॉरिस टाइप टू। ये नॉरिस टाइप वन और नॉरिस टाइप टू ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये फोटोकेमिस्ट्री के लिए, मतलब फोटोकेमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक मल्टीपल रिएक्शन मैकेनिज्म में भी ये आता है, तो इसको याद कर लेना बहुत जरूरी है। एंड एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर रेडिकल इज एनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल इज साइक्लाइजेशन। सो ये कैसे होता है, ये वाला एक ले लो,
ये बीआर, मैंने पहले ही बोला कि एआईबीएन जो देता है वो फ्री रेडिकल जेनरेट करता है। तो अभी क्या होगा कि ये वाला रेडिकल जेनरेट करेगा, तो मैंने ये वाला रेडिकल को इस साइड पे लिख लिया। ये वाला रेडिकल अगर बनेगा तो ये क्या करेगा, ये रिएक्शन देगा। ये रिएक्शन देने से एक एक ये वाला बन सकता है, ये एडिशन करेगा, ये वाला रेडिकल क्या करेगा, ये वाला रेडिकल डबल बॉन्ड पे एडिशन करेगा, एक ये बन सकता है और एक ये वाला बन सकता है। तो ये दो रेडिकल में कौन सा स्टेबिलिटी होगा? आप लोग तो नॉर्मल लेके क्या बोल दोगे कि 5 मेंबर रिंग इसलिए स्टेबिलाइज्ड है 6 मेंबर रिंग, तो क्या बनेगा, 5 मेंबर रिंग ज्यादा बनेगा, 6 मेंबर रिंग ज्यादा बनेगा। आप ऐसे सोचोगे कि ये ज्यादा बनेगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है, इधर कुछ चेंज होता है। आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा कि वो है बैंडुल्स रूल। अकॉर्डिंग टू बैंडुल्स रूल दिस स्ट्रक्चर इज 6 एंड्रोट्रिक, ट्रिक मतलब ट्राइगोनल, क्योंकि ट्राइगोनल क्या है, ट्राइगोनल क्यों है, जो sp2 ये जो रिएक्शन है, ये जो कार्बन है ये तो sp2 है, इसलिए ये ट्रिक हो गया। तो ये है 6 एंड्रोट्रिक और ये है 5 एक्सोट्रिक। सो अकॉर्डिंग टू बैंडल्स रूल 5 एक्सोट्रिक इज ऑलवेज फेवरेबल देन एंड्रोट्रिक, सो ये वाला ज्यादा बनेगा इन दिस ट्रिक। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का पूरा जो ये फ्री रेडिकल का मेकानिज्म जैसे होता है और जिस जिस टाइप का मेकानिज्म होता है वो बोल दिया। फ्री रेडिकल एक दो इट इज इंटरमीडिएट स्पीशीज, बट इसका स्टेबिलिटी और इसका स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करके बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है, तो वो एप्लीकेशन हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे उस टाइम पे आएंगे। तो उस टाइम में हम लोग एक चीज बोल सकते हैं, तो अभी फ्री रेडिकल का रिएक्शन देखे क्या पता चला कि किस टाइप का रिएक्शन वो देगा। अगर हम लोगों ने एक नॉर्मल सा फ्री रेडिकल ले लिया तो क्या होगा, सपोज मैंने लिया एक नॉर्मल फ्री रेडिकल, वो लिया कंप्यूटर, ओके। तो अभी हम लोग बोलेंगे कि ये 2 म्यूटानोन, ये इसका फ्री रेडिकल, इसके अगर हम लोग एचम्यू दे दे तो ये कैसे ब्रेक होगा। अभी एक चीज, इधर ये कार्बन इसको रख के एक बॉन्ड तो ब्रेक होगा, तो अभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो मिथाइल फ्री रेडिकल बॉन्ड होगा, और ये बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो ये वाला फॉर्मेशन होगा। तो कुछ देर पहले मैंने एक चीज बोला था कि हम लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर और इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में भी सोचा है। तो मिथाइल में कोई हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर नहीं था, तो इसलिए सबसे लेस स्टेबल था, तो इसलिए सिर्फ ये वाला फॉर्मेशन होगा, मिथाइल का कोई फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अभी ये वाला रिएक्शन क्या करेगा, यहां से क्या देगा, एक होगा डबल बॉन्ड O और एक होगा ये वाला रेडिकल। तो ये वाला रेडिकल क्या करेगा, ये वाला रेडिकल से इसको अगर मैंने थोड़ा इस टाइप से लिख दिया तो क्या होगा, ये वाला ब्रेक कर सकता है, ये वाला अगर ब्रेक करेगा तो क्या होगा, ये एसिटाल्डिहाइड और उसके बाद इधर इथिलीन, है कि नहीं, ये वाला प्रोडक्ट देगा। और एक चीज हो सकता है कि ये कार्बोनिल क्या करेगा, ये एक एच को ऐसे छोड़ देगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये अनस्टेबल है, उसके बाद इथेन, ये एक पॉसिबिलिटी है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इधर से कार्बोनिल चला जाएगा, कार्बोनिल चला जाएगा तो मीडियम में क्या होगा, मीडियम में कार्बोनिल चला जाने से एक CH3 रेडिकल बचा रह गया और एक रह गया ये वाला रेडिकल,
तो ये वाला जो रेडिकल है ये कॉम्बिनेशन करके प्रोपेन भी बना सकता है। हो गया, ये इस टाइप का पूरा जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल का रिएक्शन है। तो हम लोग इसके बारे में, इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, नॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इसका बहुत सारा एग्जांपल है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर स्टेइंग विद अस, दिस इज ऑल फॉर द चैप्टर, सो सी यू अगेन।